हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पुरानी साड़ी और पुराने दुपट्टे को रियूज में लेकर बहुत ही अच्छा सा पायदान बनाएंगे, जिसे बनाना बिल्कुल ही आसान है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से साड़ी को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद में हमें इसकी पट्टियाँ बनानी है। तो पट्टियाँ हमें कैसे तैयार करनी है, देखो इस तरीके से हम लगभग 4 इंच चौड़ी ऐसे करेंगे, फिर इसको पलटेंगे, फिर ये 8 इंच हो जाए। तो यहाँ पर हमें लगभग 8 इंच चौड़ी के अंदर कतरन बनानी है। यहाँ से हम इसको कट करके अलग करेंगे। ऐसे ही हमें पूरी साड़ी की लंबी लंबी कतरन तैयार करनी है। तो फ्रेंड्स, मैंने लंबी लंबी डोरी ये बना ली है। अब हम इसको सिलाएंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे। देखो फोल्ड करके यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे इसके। जितनी भी मैंने ये लंबी लंबी पट्टियाँ कट की है, उन सबको ऐसे हमें फोल्ड कर कर सिलाई करना है। तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने होम आर्ट चैनल पे। अगर फ्रेंड्स आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ताकि हर रोज नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो इस तरीके से मैंने इसको सी लिया है, पट्टी को देखो। अब हम इसको सीधा करेंगे, ये उल्टी है, अब हमें सीधी करनी है। इसको ऐसे हम सिलाई लेंगे, इसको एक साइड से डाल के कतरन को फोल्ड करते हुए, जैसे हम पाइपिंग बनाते हैं उस तरीके से हम इसको सीधा कर लेंगे। तो दोस्तों देखो, ये हमारी जो सिलाई हमने एक साइड डाली थी फोल्ड कतरन करके, ये सिलाई दूसरी साइड ऐसे निकल जाएगी, ये निकल गई है। अब हम इस कतरन को सीधा कर लेंगे। ये देखो सिलाई हमारी अंदर चली गई है और ये सीधी हो गई है। अब हम इसकी पट्टी बनाएंगे, कैसे हमें इसकी और भी डिजाइन के अंदर पट्टी तैयार करनी है। तो ऐसे हम कतरन को ऐसे रखेंगे। अब हम इसके अंदर छोटी छोटी प्लेटें सी डालेंगे, थोड़ा सा कपड़ा उठाएंगे, इसके अंदर ये सले डालेंगे। थोड़ा सा कपड़ा उठाना है हमें, ज़्यादा कपड़ा नहीं उठाना है। जितना बारीक बारीक कपड़ा लेंगे हम, उतनी ही अच्छी ये इसकी पट्टियों की फिनिशिंग आएगी। तो ऐसे हम सबसे पहले हम साड़ी या दुपट्टे को ऐसे कतरन करेंगे। कतरन करने के बाद में हम इनको फोल्ड करके सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद में हम इसको सीधा करेंगे, तो हमारी सिलाई है वो अंदर की ओर हो जाएगी। सीधा करने के बाद में हम ऐसे ही पट्टियों के अंदर छोटी छोटी ये प्लेटें डाल के सबको तैयार करेंगे। तो ये देखो इस तरीके से इसके अंदर ये प्लेटें डलेगी, इतनी सुंदर लग रही है। इसी तरीके से हमें काफ़ी सारी दुपट्टा या चुन्नी को यूज में लेके या साड़ी को ऐसे हम बना लेंगे। तो ये देखो मैंने सबको तैयार कर लिया है सील के सले डाल के। तो अब हम इसे बहुत ही अच्छा सा एक पायदान बनाएंगे। तो चलो, हम इस पायदान को बनाने के लिए हमें एक प्लास्टिक का थैला भी चाहिए। तो ये मैंने प्लास्टिक का थैला लिया है, इसको मैंने चौस कट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर जो हमने पट्टियाँ बनाई हैं उनको सिलाई करेंगे। ऐसे हम इसके ऊपर रखेंगे देखो, और ऐसे बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर हमें रख के सिलाई करनी है। हमें इसको चारों साइड से ऐसे घुमा के नहीं सिलना है, सिर्फ एक लंबी पट्टी सी लगानी है। वो कैसे लगानी है आप वीडियो में देखें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करिए, एंड तक देखते रहिए कि लास्ट में पायदान बनने के बाद में देखना कितना ही सुंदर लगेगा। तो ये देखो इस तरीके से मैंने एक लंबी पट्टी यहाँ तक लगा दी है, लास्ट तक आ गई है ये। अब हम इसको इसी साइड से घुमाएंगे, ना कि हमें दूसरी साइड सेम इसी के पास में, हम इसको ऐसे राउंड शेप में लेंगे। देखो यहाँ पे इसको लिया और बिल्कुल जस्ट इसके पास में रख के हमें इसको उल्ट देंगे, और इसके पास में रख के ऐसे हमें इसको सीलना है। जो हमने पहली पट्टी लगाई है उसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे पलट के, और इसको हम पास में रखते हुए सिलाई करेंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमें ये पट्टी लगानी है। जो आप एक कलर से बनाना चाहते हो तो आप इसको एक कलर से बना सकते हो, अगर आप इसको मल्टी कलर से बनाना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो। तो ये देखो दोस्तों, मैंने इसके दोनों साइड में, जो हमारी लंबाई की साइड है उसमें दोनों साइड में मैंने ऐसे पट्टियाँ लगा ली है। अब इसी पट्टी के पास में हम ऐसे कलर अटैच करेंगे दूसरा सेम इसी तरीके से। पहले हम इस साइड में पट्टी लगाएंगे, हमें दो राउंड लेने हैं एक साइड के अंदर। तो मैंने रेड के दो राउंड लिए बिल्कुल पास पास में, फिर मैंने दूसरी साइड में रेड के दो राउंड लिए हैं। इसी तरीके से हमें वैसे ही इसके दोनों साइड से दो दो राउंड लेने हैं। तो दोस्तों देखो, दोनों साइड से हमने एक जैसा बनाया है।
एक साइड से मैंने दो राउंड लिए तो दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही बनाया है। इसके साथ ही हमारा डोरमैट या पायदान बनकर तैयार हो गया। कितना ही खूबसूरत लग रहा है, बनाने में बिल्कुल ही आसान है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।